हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम हैशटैग के बारे में कि आप ट्रेंडिंग हैशटैग कैसे फाइंड कर सकते हैं और आप हैशटैग कौन सा लगाएं कि जिससे हमारी रील्स वायरल हो। क्योंकि यार देखो, काफ़ी सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं। अभी काफ़ी सारे लोग का मैंने कमेंट भी देखा है, तो वो कहते हैं कि भाई आप ये बताइए कि क्या हम इंस्टाग्राम रील्स में इस समय हैशटैग लगाएं या ना लगाएं। देखिए यार, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जो 2022 का एल्गोरिथम में अपडेट आया था कि इंस्टाग्राम ने खुद ही बोला था कि अगर आप हैशटैग मत यूज करो फिर भी आपके व्यूज आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप कैप्शन, जो कि रील्स के नीचे टाइटल होता है ना कैप्शन, अगर आप उसको लिख दोगे रील्स के रिलेटेड कि आपकी रील्स कौन से टॉपिक पर है, अगर आप उसे नीचे लिख दोगे ना तो कोई सर्च करेगा ना बिना हैशटैग के आपकी रील्स शो करने लगेगी नीचे। पहले ऐसे था, मतलब कि आपका रील सर्च में आ जाएगा बिना हैशटैग के इस तरीके से, और आपके व्यूज भी आ जाते थे। और मैंने भी अपने अकाउंट को ऐसे ग्रो किया था कि मतलब स्टार्टिंग से मैंने कोई भी हैशटैग नहीं लगाया। तो आपको एक ये भी गलती नहीं करना है कि अगर आप अपने रील में स्टार्टिंग से हैशटैग नहीं लगा रहे हो तो मत लगाओ। लेकिन हाँ, अगर आप हैशटैग लगा रहे हो तो लगाते जाओ भाई, आप रुको मत। ये मत सोचो कि मैं अब हैशटैग नहीं लगाऊंगा, ऐसी गलती नहीं करना है। क्योंकि एल्गोरिथम एक चीज को पकड़ लेता है ना, तो वो पकड़े रहता है और आपके अकाउंट को समझे रहता है। अगर आप कुछ भी मिस्टेक कर देते हो तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको हैशटैग कैसे लगाना है। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको कुछ हैशटैग प्रोवाइड करता हूँ जो कि इंस्टाग्राम की तरफ से खुद ही है। देखो, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम आपको लगाना है, ये सबसे बड़ा है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार इतना बड़ा बड़ा ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, लेकिन नहीं यार। देखो, ये जो हैशटैग है ना, ये लाइफ टाइम चलेंगे। आपके रील्स उसमें कभी भी फंस सकती है, एक्सप्लोर में फंस जाएगी, इंस्टाग्राम के हैशटैग में फंस जाएगी, तो आपकी रील वायरल हो जाएगी। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम, उसके बाद रील्स, एंड उसके बाद लव और इंडिया मूड। ये सारे इतने हैशटैग हैं जो मैंने आपको बताया, सबसे लाइफ टाइम चलने वाले हैशटैग हैं। आपको इसको तो यूज करना है साथ ही में, और ये भी आपको ये करना है कि आपको ना जो रील आप बनाते हो, जिस टाइप का आपका वीडियो है, वीडियो के रिलेटेड 3-4 हैशटैग लगा दो। आपको सबसे पहले तो रील्स, लव, इंस्टाग्राम और एक्सप्लोर भी लगा सकते हैं। एक्सप्लोर वर्क नहीं करता, इंस्टाग्राम ने भी नहीं बताया कि आप एक्सप्लोर लगाओ, लेकिन आप यूज करिए एक्सप्लोर को, ठीक है। इससे आपके रील में अच्छी खासी रीच आएगी, ओके। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि आपको 4-5 ऐसे हैशटैग लगा हैं वीडियो के रिलेटेड। इस समय अगर आप हैशटैग लगाओगे तभी आपके व्यूज आने वाले हैं। पहले था कि अगर आप हैशटैग नहीं लगाओगे फिर भी आपके व्यूज आ जाते थे, लेकिन अभी के वक्त ऐसा हो रहा है कि मैं खुद ही ट्राई कर रहा हूं कि मैं हैशटैग डालता हूं तो ज्यादा व्यूज आते हैं, और हैशटैग नहीं डालता हूं तो व्यूज ही नहीं आते हैं। मतलब कि कम आते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप हैशटैग यूज कर सकते हो इस तरीके से। और मैं आपको बता दूं, कहीं से हैशटैग बनता नहीं है, और ना ही मैं आपको कोई फेक हैशटैग दूंगा, फालतू की चीजें नहीं देता हूं। और जो मैं अभी टेलीग्राम पे, आप मेरे जाके ज्वाइन हो जाना, वहां पर मैं हैशटैग दे दूंगा जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरा लिख के दे दूंगा सारे कैटेगरी वालों का। आप लोग एक बार कमेंट कर देना कि आप लोग कौन कौन से टॉपिक पर आपका पेज है, किस टॉपिक पर आप डालते हो कंटेंट, पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पर, आप लोग एक बार कमेंट कर देना, तो आप लोग देख सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि हैशटैग में जो आप गूगल से कॉपी करके, कुछ लोग देखता हूं कि मैं वो अपने फोटोज में यूज करते हैं, रील्स में यूज करते हैं, तो भाई वो सब मत यूज करो, वो सब बहुत ज्यादा हैवी हैशटैग होते हैं, वो सब वर्क नहीं करने वाले हैं। जो छोटे सिमिलर हैशटैग होते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो वर्क नहीं करने वाले हैं। क्योंकि देखो यार, वो खुद से बनाया जाता है और कई सारे लोग देखे देखा यूज करते हैं, तो आपको ये हैशटैग बिल्कुल यूज नहीं करना, अवॉइड करना है। और आपको वही हैशटैग यूज करना है जो इंस्टाग्राम की तरफ से प्रोवाइड है, और आप जो वीडियो डाले हो वीडियो के रिलेटेड आपको हैशटैग यूज करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वाले वीडियो है जो बनाया गया है कि जैसे कि सनी लियोन के रिलेटेड है वीडियो, तो सनी लियोन का हैशटैग यूज करो और रील्स का कुछ हैशटैग यूज करो, इस तरीके से आप कर सकते हो। होप करता हूँ आप सभी को एकदम अच्छी तरह समझ आ गई हो। तो अगर आपको कुछ भी समझ नया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई देके आपको बता दूंगा, ओके। तो आप बस, इतना वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।